हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। देखिए मेरा हेयर कट आपको कैसा लग रहा है, होप अच्छा लग रहा होगा। और आईब्रोज भी अच्छे लग रहे हैं या नहीं, आई होप बहुत अच्छे लग रहे होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि दीदी आप मुझे खुद मना करती हैं कि पार्लर सभी मत जाइए, कोरोना का कहर चला हुआ है और आप खुद ही पार्लर जा रहे हो, आप हेयर कट करा रहे हो, थ्रेडिंग करा रहे हो, ऐसा क्यों? तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर किसी चीज़ के लिए मैं आपको मना करती हूँ, इसका मतलब कि मैं खुद भी उसे नहीं फॉलो करती हूँ। और रही बात मेरे हेयर कट की और मेरे आईब्रो की, तो ये मैंने खुद से ही अपना किया है और जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने बहुत कुछ सीखा। और हाँ, हेयर कट जैसी चीज़, जैसे नॉर्मल जो ग्रूमिंग है, थ्रेडिंग है, मैं खुद से ही अपना कर लेती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि अगर किसी समय आपको किसी चीज़ को करने के लिए नहीं मिले, बाहर जाने नहीं मिले, तो इंसान खुद न खुद बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है जो कि आप भी कर सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, नहीं तो पता चलेगा कि ये फैशन ब्लॉग्स हो गया। अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो पहले कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वाटर ब्रेक एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, वाटर ब्रेक ये होता है कि जब आप 9 महीने जो बेबी होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर में होता है, जिसे हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं, और उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, एक फ्लूइड होता है, उसके अंदर बेबी सुरक्षित होता है, तो उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो पानी है, जैसे जैसे आपका लेबर नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे आपके सर्विक्स के ऊपर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के ऊपर ये जो एमनियोटिक सैक है वो फट जाती है और सारा लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद से आपके लेबर का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। लेकिन इस वाटर ब्रेक को आज बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं अपने खुद भी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने कुछ अपनी प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ की जो कि मैं चाहती हूँ कि वीडियोस के थ्रू आप तक पहुँचाऊँ, कि जो लड़कियाँ जो पहली बार माँ बन रही हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, नहीं पता होता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मैं एज अ एक्सपीरियंस्ड इंसान आपको जो भी बातें बताऊँगी वो अपने एक्सपीरियंस में बताऊंगी, क्योंकि मुझे 2 प्रेगनेंसीज का अनुभव है। तो क्या चीज़ मैंने गलतियां की, क्या चीज़ मैंने सही किया, वो मेरे वीडियोस के थ्रू आपको पता चलते रहेगा और आप वो गलतियां नहीं करिएगा। मैं इतनी ज़्यादा इग्नोरेंट थी, मेरी शादी काफ़ी पहले हो गई और फर्स्ट प्रेगनेंसी जो थी वो हमने 2 साल के बाद प्लान किया, तो काफ़ी अर्ली स्टेज था, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि प्रेगनेंसीज में क्या क्या चीज़ों का केयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कुछ मुझसे गलतियाँ हुई, वही मैं आज आपके सामने दोहराना चाहती हूँ, वो प्लीज़ आप मत करना। वाटर ब्रेक की अगर बात मैंने उठाई है तो बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या था। जब मेरा 8वां महीना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद की बात है, अचानक से जब मैं वॉशरूम यूज़ करने गई, उसके बाद मैंने फील किया कि मेरे बाहर से कुछ लिक्विड पास हो रहा है और लगातार पास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही करके। जब भी मैं वॉशरूम जाती थी तब भी एक्स्ट्रा सा लगता था, मुझे लगा कि नहीं, मे बी ये यूरिन होगा, क्योंकि ये जस्ट यूरिन के कलर का था, कुछ भी एकदम क्लियर था, कुछ नहीं था उसके अंदर, कुछ भी गंदगी नहीं थी। तो मुझे नहीं पता चला कि ये यूरिन नहीं बल्कि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड है। और दिन बीतते गए और मेरे इतनी नादानी, आप समझो, मैंने ये बातें भी किसी के साथ शेयर नहीं की कि सामने वाला भी कोई पर्सन है वो मुझे बताता कि नहीं, इमीडिएटली अभी डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, जो नॉर्मल अपने घर के काम कर रही थी, बस वो लिक्विड आ रहा था। लेकिन नहीं, जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब तो ये ज़्यादा हो गया, अब ऐसा क्यों हो रहा है, 1 हफ़्ता बीत गया था, लिटरली 1 हफ़्ता बीत गया। आप सोचो उस समय मेरे कितनी मतलब नादानी आप कह सकते हो। फिर इमीडिएटली मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि आपका लेबर अब इंड्यूस करेंगे, और लेबर इंड्यूस करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत ये दिया, गोलियाँ वगैरह दी, बट पेन इंड्यूस नहीं हुआ। लास्टली मेरा सी सेक्शन ही करना पड़ा था। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जैसे ही आपका वाटर ब्रेक होता है, उस समय इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे अंदर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम होगा, बच्चे के सैक के अंदर पानी कम होगा, बच्चे के मूवमेंट भी कम होती है और बच्चा डिस्ट्रेस में भी जा सकता है। और शायद यही वजह रही थी कि मेरा बच्चा
उसने स्टूल भी पास किया था और कुछ इन्फेक्शंस उसे उसी के बाद से उसे बहुत सारे इन्फेक्शंस हो गए और जो कि मुझे एक बहुत बड़ा लॉस का सामना भी करना पड़ा। तो यही रिक्वेस्ट आपसे यही चीज़ करूँगी कि अगर आपको इस तरह की कुछ चीज़ें दिखें और वाटर ब्रेक एक्चुअली में होता क्या है वो भी आपको बता दूँ। जैसे ही आपका कुछ इस तरह का यूरिन टाइप का डिस्चार्ज आने लगे, या तो बहुत सारी लेडीज़ का कभी कभी पिंकिश डिस्चार्ज होता है, किसी का भूरा डिस्चार्ज होता है, कुछ भी आपको अनयूजुअल सा लगे कि ये आपको नहीं होना चाहिए, कुछ भी आपके सिक्स सेंस में ऐसा हो कि नहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जो वाटर ब्रेक होता है उसका कलर भूरा होता क्यों है, जैसे ही मान लीजिए कि अगर एमनियोटिक फ्लूड अगर कम हो रहा है या फिर बच्चा थोड़ा डिस्ट्रेस होता है या किसी भी कारण की वजह से अगर उसने स्टूल पास कर दिया है आपके गर्भ में ही, तो वो इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है और जिससे कि आपका जो वाटर ब्रेक है उसका कलर भी मटमैला और गंदा सा निकलता है। तो ये सारा जो रीजंस है ये आपको यही बात बताते हैं कि आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर दिखाई दें तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपको मेरा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो लगा होगा और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने गलतियाँ की जो आपको नहीं करनी चाहिए, या फिर मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें अच्छी की उसके बारे में भी सब कुछ डिस्कस करूँगी। तो अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए, उन सहेलियों को शेयर करिए जो प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं, उनके साथ तो कहीं इस तरह की गलतियाँ नहीं हो रही हैं। क्योंकि देखिए पहली बार जो भी लेडी माँ बनती है उसे इतनी ज़्यादा समझ तो होती नहीं है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको ये सारी चीज़ें बताई जाए और उनके साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विन स्माइल।